प्लास्टिक रिसाइकलिंग में दो किस्म की वेस्ट होती हैं, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट और एक पोस्ट कंज्यूमिंग वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट वो होती है जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के दौरान जो वेस्टेज निकलती है उसको दोबारा प्रोसेस कर दिया जाता है और वो फिर ग्रैनुलर शेप में आ जाती है दोबारा। पोस्ट कंज्यूमिंग वेस्ट जो है वो होती है जो पूरी शहर से, पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया में जो भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके बाद जब वो कचरे में जाती है तो उसको फिर मटेरियल जो भी सारा प्लास्टिक और जो भी कचरा होता है वो सारा घरों से कलेक्ट किया जाता है, फिर वो सॉर्टिंग होती है अलग अलग। तो बड़े जो पार्ट होते हैं जो रिसाइकलिंग करके फिर वो ग्रैनुलर होता है ताकि वो दोबारा प्रोसेस मोल्डिंग प्रोसेस करके दोबारा उससे कोई प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। कुदरत ने भी रिसाइकलिंग का प्रोसेस रखा हुआ है, वो ये कि पानी जैसे एवेपोरेशन होता है फिर वो पानी बारिश के ज़रिए दोबारा नीचे ज़मीन पे लाया जाता है, तो इसी तरह हर चीज़ रिसाइकिल होती है। तो पोस्ट कंज्यूमिंग वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब ये पहले प्रोडक्ट आती है जो कि सॉलिड वेस्ट की सूरत में होती है। उसके बाद इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो आरा कटिंग होती है ताकि वो छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाए, फिर वो क्रशिंग में जाता है, क्रश बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, उसके बाद मिक्सर एक मशीन होती है जिसमें वो जो है एवेपोरेशन करके उसका जो अगर उसके अंदर मॉइस्चर है तो उसको अलहदा किया जाता है उससे एवेपोरेट होके, यानी उसमें हीटिंग प्रोसेस होता है ताकि वो जो भी मॉइस्चर है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद एक्सट्रूडिंग मशीन होती है वो उससे रिसाइकिल हो जाता है। ये क्रश होने के बाद ये प्रोसेस होता है, ये मटेरियल अलग है, जो क्रश हो रहा था वो अलग मटेरियल है, ठीक है, लेकिन इस वक्त एक्सट्रूडर पे ये चल रहा है सब मशीन पे। इसके बाद इस वेस्ट को हमें प्री हीट करना पड़ता है, ये हम हांडे पे इसको जो है वो प्री हीट कर रहे हैं ताकि ये गर्म इतना हो जाता है टेम्परेचर इसका कि इसमें मॉइस्चर अगर है तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये मटेरियल हमने इधर से निकाल के ये बाल्टी या किसी भी कंटेनर में आपने रखना है, ठीक है, और उसके बाद ये एक्सट्रूडर में शिफ्ट कर देते हैं। ये एक्सट्रूडिंग मशीन है और फीडिंग जोन है इसका, ये इसमें दरमियान में स्क्रू चल रहा होता है, बैरल ऊपर जो है कवर्ड होते हैं, हीटिंग प्रोसेस के लिए हीटर्स लगे होते हैं, कुछ लोग इसको इलेक्ट्रिकल हीटर पे चलाते हैं, कुछ इस पर जैकेट्स लगा देते हैं, और ये फिर गैस के हीटर से जो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है उस पर कर दिया जाता है। उसमें इसके अंदर जो स्क्रू है वो मटेरियल को पीछे मोटर से अटैच है, वो गेयरबॉक्स के ज़रिए तो मटेरियल को आगे बढ़ा रहा है, और ये बैरल के ऊपर जो हीटर हैं ये इसको पिघला रहे हैं, तो ये जब ये इसके अंदर मेल्टिंग प्रोसेस है पूरा। इन हीटर्स को मैन्युअली भी ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि ये पैनल भी लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल पैनल है इसके ज़रिए भी ये ऑपरेट हो सकता है। ये पूरा मेल्ट आप देख सकते हैं इस मशीन के अंदर, तो ये जिस तरीके से मेल्ट होता हुआ जा रहा है प्लास्टिक, तो ये इसमें डीगैसिफिकेशन भी हो रही है, जो इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो डीगैसिफिकेशन होती है वो इसको फिर मटेरियल को थोड़ा सा प्योरीफाई करने में मदद देता है, ठीक है, और वरना फिर ये कि इसमें गैसेज आएंगी, मटेरियल जो हम ग्रैनुलर बना रहे हैं वो मोल्डिंग प्रोसेस में परेशानी करेगा, तो हम उसको अच्छा बनाने के लिए डीगैसिफिकेशन प्रोसेस, ये एक्सट्रूडर हमने लिया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं मटेरियल पिघलता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखेगा इसमें। दरमियान में भी इसके भी ब्रेकर प्लेट लगी होती है जिसमें मैश लगी होती है, तो अगर वो कोई लोहे का पार्ट या कोई भी ऐसा लकड़ी जो मेल्ट नहीं हो सकता
वो मटेरियल कोई भी आता है तो वो इसमें से फिर वो निकाल दिया जाता है जाली के जरिए, मैश के जरिए। इसके बाद ये मटेरियल आगे जा रहा है और अब ये फ्रेड्स इसके इसका हेड है आगे, ये हेड के जरिए ये नॉर्मली जो है फिर कूलिंग टैंक्स में जा रहा होता है। ये पिघला हुआ प्लास्टिक है इस वक्त, ये कूलिंग टैंक्स हैं, हमने देसी जुगाड़े की हुई है, देसी तरीके से चल रहे हैं। और वो जो ये बाट टब वगैरह या कोई भी आप टैंक लगा लें उसमें कोई इशू नहीं है, चिलर लग सकता है या कूलिंग टावर लग सकता है जिसके ज़रिए जो है ये आप ठंडा पानी बिल्कुल चला सकते हैं। हमने एक थोड़ा सा अपना ये टैंक वैंक लगा के और छोटा सा हमने वो चैम्बर बनाया, हमें इसमें जब ठंडा पानी चाहिए होता है हम इसको खोल देते हैं, देसी तरीके से हम चल रहे हैं कम कॉस्ट में। और उसके बाद ये डोरियाँ इसमें से निकल रही हैं जो ठंडी हो रही हैं और इस पर आप जो है ये इस वक्त गर्म है, दूसरे टैंक में जा रही है और ठंडा हो रहा है, अलग अलग टैंक रखे हुए हैं ताकि अलग अलग टेम्परेचर के ज़रिए, वरना पानी एक साथ पूरा गर्म हो जाता है। हमने दो तीन मुख्तलिफ मटेरियल्स में जैसे हमें चाहिए होते हैं सिंगल टैंक पे भी चल जाते हैं और तीनों टैंक भी चलते हैं बाज़ दफ़ा, तो ये हमारे ऊपर है हम जैसे चलाएं। इसके बाद ये कटिंग प्रोसेस है, आगे कटर है, अब ये दोबारा मोल्ड हो सकता है, रीयूजेबल फॉर्म में दोबारा आ गया है, जबकि अगर ये स्क्रैप की सूरत में था तो ये यूज नहीं हो सकता, ये यूजेबल फॉर्म में दोबारा आ चुका है। उसको दोबारा मोल्डर्स लेके जाएंगे हमसे और दोबारा कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं हम जो है इसको, फिर भी हम दोबारा इसमें मैग्नेट वगैरह लगाया हुआ था एक और टब में डालने, उससे होता है कि इसमें इस टब में नीचे मैग्नेटिक बार्स लगी हुई है जो कि अगर कोई मेटल पार्ट कोई कटर वटर से ये जो एक्सट्रूडिंग का प्रोसेस है ग्रैनुलेटर है ये, अगर ये इधर से कोई, क्योंकि ये जंग आलूद होता है तो इसमें से कोई जंग का पार्ट ये रस्क जो चीज़ लगी हुई है वो अगर इसमें शामिल हो जाता है ग्रैनुअल में, वो इसके ज़रिए दोबारा हम निकाल देते हैं, वो मेटल इसके ऊपर चिपक जाता है क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। उससे फिर ये होता है कि मोल्डर को आसानी होती है, उसके लिए इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। ये प्रोडक्ट जो है ये उसका रॉ मटेरियल है बेसिकली किसी मोल्डर का, अगर ये सही नहीं होगा तो मोल्डिंग प्रोसेस में मुश्किल होगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बड़ा ये मटेरियल यूज़ होता है, बाइक के जो साइड कवर्स हैं, सीट के नीचे जो पट्टियाँ होती हैं, वो ये सब मटेरियल से बनती हैं। अब हम जब ये मटेरियल लगा होता है तो हम यानी हम उस सप्लायर को देते हैं जो बाइक के साथ अटैच है मोल्डिंग के अंदर प्रोसेस कर रहा है। इसके अलावा अगर हमारे पास और भी मटेरियल होते हैं डिफरेंट कार बैटरीज रिसाइकिल होती हैं और इंडस्ट्रियल क्रेट्स हैं, पैलेट्स हैं।